शॉर्ट कवरिंग तो आ गई 23,620 और 670 हमें मिला। उसके बाद अगर हम आए मिड कैप निफ्टी में, तो मिड कैप निफ्टी ने वहीं से सपोर्ट ली जो बताई थी 13,000 पर। हाँ, बेयर ट्रैप कैंडल जरूर बनाई है, क्योंकि एक बार 12,990 तो इसने तोड़ दिया था। इस मामले में इसने जरूर डराया है और स्टॉप लॉस भी आपका हिट जरूर करवाया होगा, पर उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी जरूर दे दी है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसे जो क्लिक कीजिए, उसके अलावा जो डीमैट अकाउंट का लिंक दिया वहाँ से अपने डीमैट अकाउंट खोलिए, ट्रेडिंग को इंजॉय कीजिए। तो आइए अब हम आते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड में देखिए, इसमें 70,600 अब सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि दोनों 10 MA 20 MA भी यहीं आ गए हैं, और ऊपर मैंने बताया ये धीरे धीरे 73,380 की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो ये एक तरह का फ्लैग भी बना रहा है। दूसरा, अगर हम आए सेंसेक्स पे, तो सेंसेक्स में आज थोड़ा ब्रेकआउट फेल हुआ है 82,130 के ऊपर जो बताया था। अब नेक्स्ट ब्रेकआउट 82,300 के ऊपर पॉसिबल है, क्योंकि ये ब्रेकआउट अब फेल हो गया। सपोर्ट 80,870 पे ही है और ब्रेकआउट अब 82,300 के। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 82,700 पे दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं रुपये में। रुपया बीच में वैसे ही फंसा हुआ है ऊपर की तरफ। यहाँ सेल ऑन राइज 84.115 पे और 83.76 पे सपोर्ट है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो इम्पोर्टेंट लेवल 83.82, 83.92, 84.01 और 84.15 इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर ये एरिया आता है, यहाँ से सेलिंग दिख सकती है नीचे की ओर लेवल 84.01, 83.92, 83.82 और फिर यहाँ सपोर्ट 83.76। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक में। वही मैं स्टॉक दोबारा बता रहा हूँ, भारतीय एयरटेल ही। अभी कोई और स्टॉक तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल थी। इसमें एक और पैटर्न बना हुआ था, वो भी मैं बता देता हूँ। डबल बॉटम, इसमें डबल बॉटम भी बना था, और मैंने डबल बॉटम के बारे में बहुत एक पूरा चैप्टर डाला हुआ है, उससे आप सीख सकते हैं कि डबल बॉटम में कैसे स्टडी किया जाता है डबल बॉटम। अब जहाँ तक फिन निफ्टी का सवाल है, तो कैंडल अच्छी नहीं बनी, शेडो काफ़ी बड़ी बन गई ऊपर से, तो मतलब वॉलीटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। जो फिन स्टॉक्स हैं वो ऊपर तो जाते हैं, पर ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग बार बार देखी जा रही है। अब सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वही है 23,400 से 450, काफ़ी टाइट रेंज बन चुकी है फिन निफ्टी की। स्टॉप लॉस भी 400 ही रखो, ऊपर के लेवल 507, 560, 595, 660 और 698। अब फ्रेश शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे है? फ्रेश शॉर्ट कवरिंग जो दिखेगी अब काफ़ी दूर है, क्योंकि अब रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। थोड़ा ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को। देखिए, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है वहाँ पहले कई बार प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, फिर उसके बाद 700 पे भी कई बार प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, 755 पे भी कई बार प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, 794 पे भी कई बार प्रॉफिट, मतलब ले देखिए अब सारा ही प्रॉफिट बुकिंग जोन है, और सारा बड़ा टफ रास्ता है कहाँ तक, 23,900 तक। मैं ये सारा का सारा एरिया नो ट्रेड जोन में, मतलब यहाँ शॉर्ट कवरिंग का कोई चांस नहीं बनता। तो थोड़ा संभल के फिन निफ्टी में, सिर्फ बाय ऑन डिप है और सेल ऑन राइज तो खैर है ही, और ये नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग, ये कहीं नहीं, शॉर्ट कवरिंग काफ़ी ऊपर निकल गई है, वो जाके आएगी, वो यहाँ भी नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, मतलब कि कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही, सभी जगह रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा संभल के चलना है मार्केट, खासकर फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी कम, फिन निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है, तो थोड़ा ध्यान से। बाकी बाइंग एरिया है 23,400 से 450 का एरिया। तो अब आते हैं हम मिड कैप निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी ने वहीं से ली है सपोर्ट, थोड़ा सा ड्रा के लिए, इसे बेयर ट्रैप ट्रायंगल कहते हैं, कैंडल कहते हैं कि एक बार बेयर्स को खुश कर देना, बाद में बेयर्स को ट्रैप कर देना। बेयर्स ने खूब फंसे होंगे बड़े खतरनाक ढंग से, क्योंकि उन्होंने तो खूब सेल शॉर्ट मारे होंगे यहाँ पे, और शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी बनी है इसके अंदर। तो अब ये लेवल ही सपोर्ट का काम बार बार करता रहेगा रोज, और जो आज का लो लगा है वो लगा है 12,983, तो 980 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और बाय ऑन डिप है 13,070, 13,100, 120 और 136 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे।
हाई 136 लगा हुआ है, जैसे ही 136 क्रॉस होगा मतलब 13,100 का जो कॉल राइटर अगर ट्रैप होगा तो शॉर्ट कवरिंग बनेगी। तो फिर ऊपर के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, 160, 180, 215 और 250 के। तो ये था कंप्लीट प्राइस एक्शन पिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और उसके साथ साथ सेंसेक्स का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।